नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 199 देश, 10 अरब की आबादी, 11.5 लाख से ज्यादा संक्रमित। हालत ऐसी है कि कोई भी देश किसी भी देश की मदद के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहे कि वह अपनी जनता की पूर्ति करे या दूसरे देशों की मदद को आगे आए। ऐसे में भारत एकमात्र मुल्क बचा है जो जर्मनी से लेकर जापान, अमेरिका से ब्रिटेन तक को मदद भेज रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत को कोसने वाला पाकिस्तान भी भारत के इन प्रयासों पर गर्व कर रहा है। मालदीव, चीन, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, इजराइल, सऊदी अरब, आर्मेनिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, यानी यह सूची इतनी लंबी है कि गिनती भी याद ना रहे। इन सभी देशों को भारत ने सर्जिकल उपकरण से लेकर राहत सामग्री तक भेजी है। केवल इतना ही नहीं, भारत ने एयर इंडिया के विमानों को इसी काम में लगा रखा है। भारत दूसरे देशों के नागरिकों को अपने विमानों से उनके मुल्कों में भेज रहा है। भारत ने चीन और इटली से भी बांग्लादेश, अर्जेंटीना, मालदीव, श्रीलंका समेत कई देशों के नागरिकों को वहां से निकाला है। 2 दिन पूर्व जर्मनी के नागरिकों को लेकर पाकिस्तान एयर स्पेस से एयर इंडिया का विमान गुजरा तो पाकिस्तान एटीसी का बड़ा प्यारा संदेश चालक दल को मिला। उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसते ही कहा, हमें आप पर गर्व है एयर इंडिया। यकीनन यह विश्व गुरु के उद्यमान होने का संकेत है। जिसे सपेरों के देश की उपाधि मिली थी, वे आज मानवता का अग्रणीय शुभचिंतक बन गया है। बड़ी बात देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक मोदी से अनुरोध कर रहे हैं कि वह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का निर्यात उनके देश को नहीं रोके। अमेरिका को इसकी बहुत जरूरत है, यानी जिन पश्चिमी देशों ने इस दवा को एक जमाने में भारत भेजा था, आज वहां इसकी आपूर्ति भारत कर रहा है। पूरी दुनिया अचंभे में है, उन्हें यकीन नहीं होता जो देश बाहर से विकास से संघर्ष करता दिखता था, वह भीतर से इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। भारत अरबों रुपया इस बीमारी से लड़ने में झोंक रहा है। सारे उद्योग धंधे बंद है, रोजगार खत्म है, पर भारत है कि चट्टान की तरह खड़ा है। दुनिया के देशों के लिए उसके खजाने खुले हुए हैं, जबकि विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था के डूबने के भय से अभी से ही सहमे हुए हैं। 2.5% ग्रोथ रेट से बढ़ते अमेरिका की विकास दर 1.5% पर आने का अनुमान है। भारत की विकास दर भी 4% पर आ सकती है, मगर भारत अपनी लड़ाई पैसे के बल पर नहीं, हौसलों के बल पर लड़ रहा है। पश्चिमी देशों को पैसे का गुमान है, पर भारत को अपने हौसलों पर अभिमान है। मोदी द्वारा सार्क सदस्य देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद बना इमरजेंसी फंड अब अपना काम करने लगा है। इसमें अब तक 130 करोड़ रुपए से ज्यादा एकत्रित हो चुके हैं, जिससे सार्क देशों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया है, जबकि भारत ने इसमें से अपने लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करने का फैसला किया है। भारत अब तक 40 टन से ज्यादा सहायता सामग्री दुनिया के विभिन्न मुल्कों को भेज चुका है। भारत ने ग्लोब मास्टर विमान को इसी काम पर लगाया हुआ है। इजराइल को भी बड़ी मात्रा में दवाइयां और मास्क भारत ने भेजे हैं। मालदीव, इटली को भी इसी तरह मदद भेजी गई है। चौंकाने वाली बात देखिए, मोदी जितने लोकप्रिय भारत में हैं, उतने ही इटली में हैं। मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू पर इटली में ताली बजाई गई थी। भारत में मोदी के आग्रह पर आज दिए जलाए जाएंगे, पर इटली के लोगों ने परसों ही दिए और मोमबत्ती जलाई है। निसंदेह यह दुनिया में चमकता वो भारत है, जिसकी कल्पना हम पिछली कई शताब्दियों से करते आ रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखने वाली कई संस्थाएं घोषणा कर चुकी है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत फिर से एक बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकत बनकर उभरेगा। कई देश आश्चर्यचकित है कि भारत के पास यह पावर और पैसा कहां से आ रहा है, पर उन्हें यह भी मालूम है कि भारत का नेतृत्व किस संत के हाथ में है। भारत के पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी मदद करने का प्रस्ताव दिया है। चीन में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को निकालने में उसकी मदद करनी चाहिए थी, मगर पाकिस्तान मौका चूक गया और आज मुसीबत के वक्त अकेला है। चीन ने अंडरवियर को मास्क की शक्ल देकर पाकिस्तान के मुंह पर चिपका दिया, मगर यही पाकिस्तान देख रहा है कि भारत कैसे अपने मित्र देशों की जरूरतों का ध्यान रख रहा है। इन देशों में यह धारणा मजबूत हुई है कि जब तक भारत है, तब तक उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज एक बार फिर हमें साबित करना है कि अपने हौसलों पर अभिमान हमें यूं ही नहीं है, बल्कि यह हमारी जिद में शुमार है कि हम जब जीतने का प्रण कर लेते हैं तो हिमालय से भी टकरा जाते हैं। फिर यह वायरस क्या बला है, आओ एक दिया महानायकों के लिए फिर जलाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।